सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज अराउंड अस। हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था लिथोस्फीयर क्या होता है, दूसरे लेक्चर के अंदर देखा था हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, और आज के लेक्चर के अंदर हम एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को कवर करने वाले हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, और एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर होता है। द स्फीयर ऑफ अर्थ, द स्फीयर ऑफ एयर दैट रॉप्स द अर्थ अराउंड ऑल द साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ के आजू बाजू में जो लेयर है एयर की, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ, हमारी ज़मीन के ऊपर हम जाते, हमारी ज़मीन से 1000 किलोमीटर तक ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंस है। इट कैनॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते एटमॉस्फेयर को जैसे हम देख पाते थे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को, मतलब ज़मीन और पानी को। एटमॉस्फेयर इज कम्पोज ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, साल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। तो एटमॉस्फेयर इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर क्या होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डरलेस का मतलब होता है हम इसको सूंघ नहीं सकते, हम अपनी हेयर को सूंघ नहीं सकते। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन द एटमॉस्फेयर। तो गैसेस एटमॉस्फेयर में सॉलिड एलिमेंट्स भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। एटमॉस्फेयर इन सारी चीज़ों से बनता है। अभी गैसेस में तो गैसेस ही है, वाटर वेपर है, राइट। उसके बाद लिक्विड के अंदर क्या आता है? लिक्विड के अंदर आता है वाटर वेपर आता है, और गैसेस के अंदर गैसेस आता है। और सॉलिड के अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है साल्ट आ गया, डस्ट पार्टिकल्स आ गए एक्सेट्रा। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो तीनों चीज़ों से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी है, सॉलिड फॉर्म भी है, वाटर वेपर भी है मतलब लिक्विड फॉर्म भी है, और गैसेस भी है, अलग अलग तरह की गैसेस भी है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। जैसे हम ज़मीन से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही क्या होगा, जो गैसेस है वो डिक्रीज होती जाएगी, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अलग अलग तरह की जो गैसेस है वो कम होती जाएगी जैसे हम ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट फाउंड मोर ऑफ इट्स लोअर लेयर ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है अर्थ के लोअर लेयर में, मतलब नीचे की सतह में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। ओजोन गैस इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर। ओजोन गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस है बहुत ही छोटी, स्मॉल क्वांटिटी में। अभी वो कितनी क्वांटिटी, मतलब कितना प्रपोर्शन है वो आप देखना, ठीक है। दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन। दिस गैस इज मोर इन प्रपोर्शन इन द मॉर्निंग ओपन इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। तो ओजोन का काम क्या होता है? हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करना। अगर जो सन की जो रेज है, सन की जो किरण है, राइट, किरण है, अगर वो हमारे डायरेक्ट ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, उससे हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है। ये ओजोन जो गैस है जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है, इसका काम क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाना होता है, मतलब वो डायरेक्टली हमें गिरने नहीं देती है ये गैसेस। गैसेस लाइक, अभी यहाँ पे देखो फिगर 2.3 दिया हुआ है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20 और अदर गैसेस 0.98। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ अलाइव। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो पाया है इन्हीं गैसेस की मदद से हम जिंदा रह पाते हैं। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवॉपरेट्स एंड मिक्सेस विद एयर विच इज़ नोन एज मॉइस्चर। तो गर्मी के कारण जो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैसेस फॉर्म में आ गया, मतलब वाटर वेपर फॉर्म में, और इसको मॉइस्चर कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी जो कूलिंग है, कूलिंग का मतलब क्या होता है, अभी
ये जो वाटर वेपर फॉर्म है, इससे हमें जो वाटर मिलता है कूल होके, इसको कहा जाता है कंडेंसेशन। अभी ये जो वाटर वेपर है, अभी वो वाटर में कन्वर्ट होगा, राइट, वो पानी में, अभी वो सॉलिड पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पानी का फॉर्म रहेगा पर वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, राइट, या फिर वो गैसेस के फॉर्म में भी रह सकता है, अलग अलग तरह के फॉर्म में रह सकता है, अलग अलग तरह के कूलिंग के वजह से। वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन ह्यूमन बीइंग्स इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज इन देयर फूड हैबिट, क्लोथिंग, हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल होती है। डस्ट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? धूल होता है। स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल के मदद से क्या हुआ है, हम देख पाते हैं, हम सन की रेज को विजिबली ये स्प्रेड करते हैं ताकि हम देख पाते हैं। इट इज ड्यू डस्ट पार्टिकल दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट एंड इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज। द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन। वी आर एबल टू लिसन द साउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर। दिस इज वाई द रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। तो एटमोसफियर के मदद से ही क्या होता है, हम अगर मैं आपको कुछ बोलूँगा क्लास में, आप सुन पा रहे हो, सुन कैसे पा रहे हो, ये पॉसिबल हो पा रहा है एटमोसफियर के मदद से। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो आप मेरी आवाज़ को सुन नहीं सकते हो, राइट, एटमॉस्फेयर की मदद से ही आप सुन पाते हो आवाज़ों को। एटमॉस्फेयर की मदद से क्या होता है, जो सन की जो लाइट है, जैसे सुबह होती है तो डायरेक्ट सुबह नहीं हो जाती है, धीरे धीरे सुबह होती है, और ये कौन करता है, डस्ट पार्टिकल्स करते हैं। अभी जब रात होती है तो डायरेक्ट रात नहीं हो जाती है, धीरे धीरे करके रात होती है, ये कौन करता है, डस्ट पार्टिकल्स करते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल्स ना हो तो क्या होगा, जल्दी जल्दी दिन हो जाएगा, जल्दी जल्दी दिन हो जाएगा और जल्दी जल्दी रातें हो जाएगी। तो डस्ट पार्टिकल की मदद से क्या, डस्ट पार्टिकल क्या करता है, जल्दी जल्दी दिन को और जल्दी जल्दी रातों को रोकने में मदद करता है। मतलब डायरेक्टली दिन नहीं हो जाता, डायरेक्टली रात नहीं हो जाता है, डस्ट पार्टिकल की वजह से धीरे धीरे ये सब काम होता है। अभी बायोस्फीयर, ह्यूमन लाइफ एंड स्फीयर, देखो ऊपर दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इनकी मदद से क्या हो पा रहा है, बायोस्फीयर हो पा रहा है, हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं ताकि इन तीनों स्फीयर की मदद से जिंदा रह पा रहे हैं। बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर इज लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट। तो इन तीनों स्फीयर के बीच में हमारी दुनिया है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑन अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। तो सारे के सारे प्लैनेट्स में खाली अर्थ के पास ही बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इंक्लूडिंग वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। बायोस्फीयर के अंदर क्या आता है, पेड़ पौधे आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और हम आते हैं। वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर। वी कैनॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग। तो बायोस्फीयर की मदद से हम जिंदा है, बायोस्फीयर की मदद से ही हम, राइट, सॉरी, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की मदद से हम जिंदा है, हमारा बायोस्फीयर एग्जिस्टेंट में है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बायोस्फीयर दो तरह के पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है नॉन लिविंग और दूसरा है लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर क्या आता है, लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है और एटमॉस्फेयर आता है फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट। वाइल लिविंग के अंदर क्या आता है, प्लांट आता है, एनिमल्स आता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, तो हमने बायोस्फीयर के अंदर क्या पढ़ा, बायोस्फीयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, राइट, इनका एक पार्ट है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर बहुत ज़रूरी है हमारे अर्थ के लिए, सारे के सारे प्लैनेट्स में खाली अर्थ के पास ही बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के अंदर क्या आता है, वेजिटेशन आता है, एनिमल्स आता है, इंसेक्ट्स आता है और ह्यूमन बींग्स आते हैं। बायोस्फीयर से क्या होता है, हम लोग को फूड मिलता है क्योंकि इसके अंदर हम आ रहे हैं और साथ में वेजिटेशन भी आता है, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स भी आता है इसके अंदर। तो इसी की मदद से हमें खाना मिलता है और बाकी की सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरतें मिलती है बायोस्फीयर से हमें। हम लोग वेजिटेशन और एनिमल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और बायोस्फीयर को यहाँ पे डिवाइड किया है बाद में दो तरह की कैटेगरी के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर और लिविंग के अंदर। मतलब हमारे अर्थ
हमारे अर्थ को, राइट, जो बायोस्फीयर है, इन सारे के सारे स्पेयर का, इन सारे के सारे स्पेयर को, इन सारे के सारे स्पेयर का एक पार्ट है, बराबर। तो बायोस्फीयर को डिवाइड किया गया है नॉन लिविंग के अंदर और लिविंग के अंदर। नॉन लिविंग के अंदर आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। मतलब हमारे अर्थ को दो तरह के स्पेयर्स में बांटा गया है, दो तरह के पार्ट में बांटा गया है हमारे अर्थ को। पहला पार्ट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है, और लिविंग पार्ट है बायोस्फीयर। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन द लिविंग वर्ल्ड। ह्यूमन बींग्स Human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. Human action causes an imbalance in the different spheres. तो हमारी वजह से क्या होता है, एक imbalance होता है। कैसे, हम जब factories लगाते हैं तो carbon dioxide का content ज़्यादा हो जाता है, और ये right, और इससे क्या होता है, बहुत सारे animals को नुकसान पहुँचता है। अगर animals को नुकसान पहुँचेगा, अभी यहाँ पर biosphere के अंदर क्या है, हर चीज़ biosphere के अंदर क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड होता है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स पहले से ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जिससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। जैसे प्लांट्स को कट करना, बाद में वेस्ट मटेरियल को डंप कर देना पानी के अंदर, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम करते आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये सारे स्पीशीज को, या कहा जाए तो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचता है। Human action causes an imbalance in the different sphere. Due to this, the balance of various spheres is threatened. Underground nuclear testing, too much drilling of for mineral oil, excessive drilling of tube well affects the lithosphere and causes an imbalance. The dumping of waste from village cities along with industrial waste into the water bodies pollute them. अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारा कचरे को फेंक देते हैं पानी के अंदर, जिससे क्या होता है, fishes मर जाती है, right? क्योंकि उनका जो पानी है वो गंदा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, पानी के जो पानी में जो रहते वो भी उनको भी नुकसान पहुँच रहा है, और पानी को भी नुकसान पहुँचता है। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। पोलर कैप्स है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो भी मेल्ट हो रही है। क्यों मेल्ट हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, वो हीट को स्टोर करता है, गर्मी को अपने अंदर स्टोर करता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो क्या होगा, जो पोलर कैप्स है, जो आइस है, वो मेल्ट होगी। द ऑयल spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine animals, which is highly dangerous for the hydrosphere. Harmful gases emitted by industry, workshop, power station and vehicle pollute air. तो ये सारी जो gases release होती है air के अंदर, बाद में हम और अलग अलग तरह के animals वो air को हम breathe नहीं कर सकते। अगर breathe करेंगे तो क्या होगा, definitely हम मर जाएंगे, है ना। अगर एक close space में रख दिया जाए, ये सारी gases के बीच में रख दिया जाए इंसानों को, तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, और हार्मफुल गैसेस ज़्यादा हो जाएगी, ताकि हमें बाद में क्या होगा, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। द एरियाज विद द फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शोज इंक्रीजिंग रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द कटिंग ट्रीज। हम पेड़ को काट रहे हैं, राइट, इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है व्हीकल से, इंडस्ट्री से रिलीज होता है, इन सारे सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बराबर, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, और कार्बन डाइऑक्साइड बाद में हमारे एयर में ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है अर्थ की, और गैसेज, इससे पॉल्यूशन भी होता है। हीटिंग ऑन द अर्थ इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। इन सच ए वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर। तो इस तरह से हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो बायोस्फीयर को अफेक्ट करती है। द न्यूट्रिएंट The nurturing life of nature are in danger due to exploitation of environment where in danger the biosphere. Project.
तो हमने बायोस्फीयर के अंदर क्या देखा, सबसे पहले हमने बायोस्फीयर के अंदर देखा सारे स्पीयर को दो तरह की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, नॉन लिविंग और लिविंग स्पीयर। नॉन लिविंग के अंदर लिथोज आता है, हाइड्रो आता है और एटमोस्फेयर आता है। लिविंग के अंदर क्या आता है, बायोस्फीयर आता है। उसके बाद में हमने ये देखा कि बायोस्फीयर में वेजिटेशन होता है, एनिमल होता है, इंसेक्ट्स होता है और ह्यूमन बींग्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्पीयर देखा, तो हम किस तरह से ये हमारे अर्थ को हम नुकसान पहुंचाते हैं, इन सारे के सारे स्पीयर को हम किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, हमने वो पढ़ा। तो इसकी मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर इसकी जो ये लेसन की जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर्स की।